और रोना भी उठ गई है यार। आज जल्दी उठ गए। अच्छा ब्लॉग स्टार्ट करते हैं जरा। आज करना ब्लॉग स्टार्ट करो। बोलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ऊंची आवाज से वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। तो मुझे बताओ आपने अभी नाश्ता करना है? हैं क्या खाना है नाश्ते में? क्या खाना? क्या खाना है? एग पाथा और कौनम कौन कौन है जी? तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। अच्छा जी, तो आज हम लेट सो के उठे हैं और टाइम हो रहा है 12। ठीक है। अच्छा एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, इतनी देर बाद तो मैं ब्लॉग लेकर आया हूँ। फैन ओपन कर दो। चलो अच्छा, तो इतनी देर बाद तो मैं ब्लॉग लेकर आया हूँ आपके लिए। तो आज का जो कंटेंट है वो यही है कि आज मैं रजब भाई से मिलने जा रहा हूँ। हाँ जी, वो मेरे घर के करीब ही रहते हैं, मैं अपनी मसरूफियात की वजह से उनसे मिल नहीं पाया, जो भी इशू है। तो आज मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए और आपको भी दिखाऊंगा और उनका मे भी घर का एड्रेस भी आपको दिखाऊंगा। रास्ते में दिखाऊंगा उनका घर का एड्रेस। अच्छा रास्ते में दिखाऊंगा उनका घर का एड्रेस, लेकिन उनसे इजाज़त लेकर कहूँगा कि ब्लॉग में डाल दूँ कि नहीं डाल दूँ। अगर उनसे इजाज़त मिल गई तो फिर मैं ब्लॉग में बता दूँगा, अदरवाइज़ नहीं बता सकता। तो अभी नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद फ्रेश होकर दोस्त को मैं कॉल करता हूँ, उसको बुला के उसके साथ जाते हैं रजब भाई से मिलने के लिए। ठीक है, वहाँ पर क्या मुलाकात होती है, क्या बात होती है, उसके बाद फिर आपको सारा ब्लॉग में दिखाऊँ। ये नाश्ता आ चुका है। नाश्ता प्लेट में अरे चने, बस बस नाश्ते में चने खाने का मज़ा ही अलग है। ये पराठा किधर गया? पराठा ला दो, प्लेट दो ज़रा। थैंक यू। से पराठा पकड़ लेते हैं, पहले खा लेंगे उसके बाद फिर बोल ले लेंगे। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, नाश्ता हो गया। अब दोस्त को मैंने कॉल कर दिया, वो नीचे आ चुका है। और आप कह रहे होंगे हमारे साथ दोस्त को भी दिखाओ ज़रा व्लॉग में लेकर आओ, तो भाई उसका मांडोकर वाला हिसाब है। मांडोकर जिस तरह पहले नहीं आता था व्लॉग में, बाद में ज़रा आना शुरू हो गया था, वो अभी तक नहीं आता व्लॉग में। उसको मैंने बड़ी दफ़ा कहा कोई नहीं आहिस्ते आहिस्ते आ जाएगा लाइन पर, वो भी व्लॉग में आ जाएगा। तो चलते हैं उसके साथ और जाते हैं उधर। लोकेशन का सारा मैं बताता रहूँगा ब्लॉग के अंदर, बनाता रहूँगा। और फिर जाके जब मुलाकात होगी, फिर जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं उनसे पूछूँगा, इजाज़त मिल गई तो मैं आपको बता दूँगा, अगर नहीं मिली इजाज़त तो फिर मान दे रहा। ठीक है, तो चलते हैं अभी उधर और जाकर रजब भाई से मुलाकात करते हैं। यार भाई थकावट हो गई है बड़ी हैवी किस्म की, और एक और बैड सीन हो गया यार, मोए मोए हो गया, चीन टपाक दम दम हो गया भाई। क्यों क्या हुई? रजब भाई नहीं मिले, रजब भाई से मुलाकात नहीं हो पाई। पिछले हम गए थे उधर, मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि कभी आप कह रहे होंगे भाई नहीं गए थे, पीछे वीडियो में आपने देखा होगा। अभी थोड़ी मैं होकर आया वहाँ से, सारी व्लॉग भी बनाया, वीडियो बनाई है, लेकिन रश भी बहुत सारा था, बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे, और सिर्फ गार्ड था वहाँ पे। हमने उससे मुलाकात की गार्ड से, और हमने उसको बोला कि भाई रजब भाई से मुलाकात करते हैं, कहते भी सारी फैमिली बाहर गई भी है तो ताला वगैरह लगा हुआ है, तो मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो देखो चलो फिर कभी चले जाएँगे, मुलाकात कर लेंगे। तो मैंने लेकिन वहाँ पे इसलिए व्लॉग बनाया, वीडियो बनाई है, भाई आपको भी प्रूफ मिल जाएगा भाई मैं वहाँ पे गया हूँ। मैं भी हवा में नहीं मार रहा बोंगियाँ, मैं गया था वहाँ पे। तो कोई बात नहीं, नहीं मिली मुलाकात हुई, फिर कभी कर लेंगे मुलाकात, कल परसों दोबारा फिर कभी कर लेंगे।
हाँ एड्रेस के बारे में आए तो एड्रेस नहीं अभी बता सकते, ऐसी बात है मिले नहीं, मुलाकात ही नहीं, इजाज़त ही नहीं मिली तो एड्रेस नहीं बता सकता। नेक्स्ट टाइम जब 3-4 दिन बाद मैं जाऊंगा उनके पास, उनसे मुलाकात करूंगा तो फिर मैं उनसे इजाज़त लेकर फिर आपका एड्रेस बता दूंगा। रश वहाँ पे बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे, बहुत सारी आवाम आई हुई थी वहाँ पे मिलने के लिए, मुलाकात में करनी है। और गार्ड से बात हुई है, वो कहता है डेली तकरीबन 70 से 80 बंदा होगा जो डेली आता है। तो रजब भाई की हिम्मत है भाई, हैट्स ऑफ के वो इतने सारे लोगों से मुलाकात करते हैं। और ये भी नहीं कि कोई भी बगैर शॉर्ट आउट लिया जाए, हर किसी को शॉर्ट आउट मिलता है, हर कोई अपने चैनल मोनेटाइज करवा के जाता है। कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा, नेक्स्ट टाइम हम चले जाएंगे अपना करवा लेंगे। वरना मुझे आप लोगों से उम्मीद है भाई, हमाद की जो फैमिली है ना उससे उम्मीद है कि भाई वो जो है ना अपना कुछ कर दे, मेरा चैनल मोनेटाइज करवा दे, कि कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन फिर भी वो प्यार है भाई अपना, तो चैनल मोनेटाइज के लिए नहीं बल्कि दिल से कनेक्शन है उसका, तो उसके वैसे मिलने के लिए जाए। कावट बहुत हो गई है, फ्रेश हो जाते हैं नहा धो के, ठीक है आपसे होती है अगले ब्लॉग में मुलाकात। ठीक है अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ओके अल्लाह हाफिज़।